हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रियंका क्यूट कपल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं जा रहा था मेरे गांव जिसका नाम है पदमपुरा। तो दोस्तों पदमपुरा गांव अजमेर से केवल मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों तो चलते हैं मेरे गाँव की ओर, करते हैं फुल इंजॉय। दोस्तों देख सकते हैं मैं पदमपुरा गांव में आ चुका हूं। दोस्तों तो दोस्तों आपने गांव का पूरा नज़ारा भी देखा है। दोस्तों अभी जैसे हम आ रहे थे रास्ते में पूरी वीडियो में आपने देखा है। तो दोस्तों जो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों इसको बोलते हैं हताई।
हताई क्या होती है मैं बताता हूँ दोस्तों। जहाँ गांव में कुछ भी कोई बात होती है तो सरपंच सारे लोग जो आके बैठते हैं इकट्ठा होता है जो फैसला करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं हताई। तो दोस्तों ये वही हताई है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों मेरे घर की तरफ जो कि मेरा गढ़ है दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों जो माता जी का स्थान है तो दोस्तों आपको यहाँ से गांव का व्यू पूरा दिख ही रहा होगा दोस्तों। इधर के चारों तरफ आपको नीम नजर आएंगे दोस्तों। इस गांव को दोस्तों नीम का गांव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये गांव 400 साल पुराना है। इस गांव की स्थापना पदम सिंह जी ने करी थी दोस्तों, इसलिए इसका नाम पदमपुरा हुआ। यहाँ दूर तक देखे तो सामने दोस्तों किशनगढ़ नजर आता है दोस्तों। मतलब ये बिल्कुल बहुत ऊंचाई पे स्थित है दोस्तों। देख रहे हो ये गढ़ का दरवाजा दोस्तों, ये अंदर बहुत ही बड़ा है दोस्तों। लेकिन अभी क्या करें, अभी किसी कारण से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बंदर ही बंदर है दोस्तों। तो कैसा लग रहा है आपको बंदरों को देख के? बंदर क्या बहुत नाराज है दोस्तों। तो मतलब की कुछ अनहोनी ना हो जाए। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों अभी तक का मेरा गांव, कैसा लगा? गांव का गढ़ है ये दोस्तों, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ी है। आप इस साइड देखेंगे तो दोस्तों पूरा गांव बसा हुआ है। ये गांव में 4-5 जातियां रहती है दोस्तों, राजपूत गुर्जर है दोस्तों। तो मैं आप लेके चलता हूँ गांव का जो तेजा जी का मंदिर है दोस्तों, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। तेजा जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर वर्ष मेला भरता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं तेजा जी का मंदिर। आइए चलते हैं फिर तेजा जी के मंदिर की ओर, जो कि यहाँ बस यहाँ से केवल 2 मीटर की दूरी पे है। चलो चलिए अपनी वीडियो में। दोस्तों ये तेजा जी का मंदिर है, लेकिन अभी फाटक बंद पड़ी है दोस्तों। तो पुजारी जी आके गए हैं, हम थोड़ा लेट हो गए दोस्तों आने में। ये यहाँ पे देख सकते हैं तेजा जी का मंदिर।
हमारे गांव का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। आप देखिए चारों तरफ इसके गार्डन है दोस्तों। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है दोस्तों, बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही है दोस्तों, बहुत ही ठंडक है दोस्तों यहाँ पे। जय हो देवेंद्र भगवान की, जय हो दोस्तों। तो दोस्तों अभी मंदिर अभी बनाया है, लेकिन ये बहुत प्राचीन छोटा मंदिर था दोस्तों। गांव की सहायता एवं जो हमारे यहाँ के सरपंच हैं उनकी मदद से दोस्तों आज बड़ा मंदिर बनाया दोस्तों। हम क्या थोड़ा लेट हो गए दोस्तों, पुजारी जी कहाँ चले गए हैं, लेकिन तो अभी हम आपको अंदर से भी दर्शन कराते हैं दोस्तों। लेकिन कभी और मौका मिलेगा तो आपको जरूर अंदर से भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हुई दोस्तों, पूरे गाँव की दोस्तों, मैंने जितना हो सका अपना पूरा गांव दिखाया दोस्तों। लेकिन कुछ कहते ना, गांव की हवाओं की आवाज़ों की कोई बात ही अलग होती है। ताज़ा ताज़ा हवा, सारी चीज़ें देखो दोस्तों, सब लोग अपने काम पे निकल चुके हैं, बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरी सबसे पहले जो भी वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा गाँव का पूरा नज़ारा, कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।